हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारसनाथ करियर स्टंट। मैं सोनाक्षी और मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ 25 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले अस्थायी पुल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में किया है, यह पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्योक नदी पर। जो ये अस्थायी पुल का उद्घाटन किया है कहाँ पर, तो लद्दाख में। किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। और ये कौन है राजनाथ सिंह? तो ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। और यह पुल जो है यह सियोक नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए, यह जो पुल है, इस पुल कितना फीट ऊंचा है? तो यह पुल है 14650 फीट ऊंचा है, ठीक है। कितना ऊंचा है? तो 14650 फीट की ऊंचाई पर यह पुल बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने अपना मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड्रयू मैकडोनाल्ड को। आईपीएल टीम जो है राजस्थान रॉयल्स, इसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स ने, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कि किंग्स इलेवन पंजाब के कोच कौन है, तो वो हैं अनिल कुंबले। और किंग्स इलेवन पंजाब जो है वो आईपीएल की ऐसी इकलौती टीम है, ठीक है, इकलौती टीम है जिसमें कि एक भारतीय कोच है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, कौन है? तो वो हैं अनिल कुंबले। किसके? तो किंग्स इलेवन के कोच हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2019 में हुनर हाट का उद्घाटन, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 2020 हो जाएगा, ठीक है। हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ होने जा रहा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज में। तो ये जो हुनर हाट है, इसका थीम क्या होगा? तो इसका थीम हो जाएगा एक भारत एक श्रेष्ठ भारत, ठीक है। इसका थीम क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। और ये कब से स्टार्ट होगा? तो 1 नवंबर से ये स्टार्ट होगा। तो ये सभी पॉइंट को आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अल्पसंख्यक मामलों का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद कुमार दास को अल्पसंख्यक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, जापान का नया सम्राट निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, जापान में तो जो नया सम्राट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नारुहितो, ठीक है। क्या नाम है? नारुहितो। और नारुहितो जो है ये अपने पिता अकिहितो के सिंहासन त्यागने के बाद मई में इन्होंने शासन संभाला था, ठीक है। और अब जो है इनका एक प्रवेशोत्सव होने जा रहा है, यानी कि ये अपने जो अपना राजपाट है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसमें रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो भी इसमें भाग लेने वाले हैं। और 19 साल के बाद कोई राष्ट्रपति का पहला दौरा होगा, ठीक है, जापान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP भारत में फीड अवर फ्यूचर जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोम में। जो WEP का मुख्यालय है वो रोम में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डेवोस ऑफ द डेजर्ट शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाना है? तो ये जो डेवोस ऑफ द डेजर्ट शिखर सम्मेलन है ये आयोजित किया जाएगा सऊदी अरब में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। और ये जो डेवोस ऑफ द डेजर्ट शिखर सम्मेलन है, इसमें हमारे PM नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने वाले हैं, क्योंकि इनका 3 दिवसीय सऊदी अरब का भी दौरा स्टार्ट होने वाला है और उसी में ये इसमें भी भाग लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत अपनी पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक में रेल परिवहन क्षेत्र में किस देश के साथ काम करने के लिए सहमत हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड के साथ। नेक्स्ट है, डार्क फील एरी सिटीज़ न्यू हिंदी सिनेमा इन न्यू लिबरल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरुनास पोंगसनीस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किस राज्य सरकार से हाथ मिलाया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।